में दिन दहाड़े एक महिला को दुशातिर ठगों ने अपनी जाल में फंसा लिया। महिला को बातों बातों में ठगों ने इस कदर लूटा कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। ना कोई छीना, ना कोई झपटी और ना ही कोई जोर जबरदस्ती। लोगों की आंखों के सामने महिला ने ठगों के हाथ में अपने जेवर दे दिए और बदमाश फरार हो गए। यही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब डीडी नगर इलाके के थाने में पुलिस ने केस दर्ज कर महिला से ठगी करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इन ठगों का शिकार होने वाली महिला का नाम सरस्वती सोनकर है। यह डंगनिया की सोनकर बाड़ी में अपने परिवार के साथ रहती है। ठगों ने युवती को बताया कि हम हरिद्वार से आए हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं। महिला उसकी बातें सुनने के लिए रुक गई। ठग ने इसके बाद कहा कि कुछ ही दिनों में आपके दोनों बेटे मर जाएंगे। यह सुनकर महिला घबराई और कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। शायद युवकों का तुक्का सही बैठ गया, महिला के दो बेटे थे। युवकों ने महिला से बात करते हुए आगे बताया कि तुमने अपने बचपन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। इन पापों का नतीजा है कि अब 4 दिन में तुम्हारे बच्चे, दोनों बच्चों की मौत हो जाएगी। लेकिन हम जैसा कहेंगे अगर वैसा तुमने किया तो तुम्हारे बच्चे बच सकते हैं। यही महिला की तरफ ठगों का जाल था। युवती ने अपने बेटों की रक्षा के लिए हामी भर दी। ठग ने कहा कि आपने जो गहने पहन रखे हैं वो हमारे हाथ में दे दीजिए, हम इस पर मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे जिससे यह जेवर शुद्ध हो जाएंगे और इसमें ईश्वर की शक्ति आ जाएगी। महिला ने उसे अपने जेवर उतार कर दे दिए। इसके बाद युवक ने कहा कि अब बिना पीछे मुड़े 51 कदम आप आगे चलिए और 91 कदम पूरा होने के बाद हमारी तरफ आइएगा और हम यहाँ से जेवर दे देंगे। जब महिला 51 कदम पूरे कर वापस लौटी तो महिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो ठग जो बाबा बने थे वो 9-2-11 हो गए थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना के मुताबिक दोनों ठगों का तीसरा साथी बाइक पर था। वो मोड़ पर इन्हें अपने साथ बैठाकर आगे ले गया होगा। ठग अपने साथ महिला के सोने के झुमके, चेन और माला, करीब 44,000 के जेवर लेकर फरार हो गए। हड़बड़ाई महिला ने घर पहुंचकर घर वालों को इसकी जानकारी दी और थाने पहुंचकर FIR दर्ज करवाया।